पिछले साल जब सर का सर्वे किया था कौन से गांव में किया था या कौन से डिस्ट्रिक्ट में किया था? तो वहाँ पे कितना गांव में किया था एक अस्कार जीरो में मतलब जैसे हमें का सीधे जैसे वॉलंटियर डिवाइड करके भेजा जाते हैं तो एक वॉलंटियर तो सब जगह कवर नहीं कर सकते हैं तो हमको मतलब चार गांव के लिए दिया था। अच्छा तो दो 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 वॉलंटियर्स गए थे साथ में या एक एक चार चार वॉलंटियर एक ही गांव के लिए चार वॉलंटियर लेकिन वो उसको समय देते हैं कि एक वॉलंटियर मतलब जो डिवाइड किया वॉलंटियर चार चार दिन का देते हैं जिसमें एक दिन में एक बस्ती को कंप्लीट करना कंप्लीटिंग वन स्कूल ना हाँ। तो ऐसे करके चार चार वॉलंटियर एक हफ्ता काम कर एक टारगेट बस्ती दिया जाता है कि विलेज इसमें कितना विलेज को लोग कवर करें जैसे कि तीन या चार ना वो आप समय में कर देते हैं वही है। अच्छा तो कितने कितने दूरी में होता है गांव मतलब किलोमीटर के हिसाब से अगर देखेंगे किलोमीटर के हिसाब से आकर के फिर यहाँ से राम चलता है उन्हें से अगर आपके स्कीम में जैसे दावे ने प्रिंसिपलों को दिया हुआ है यह तो फिर मेरा ख्याल से बहुत दूर है बहुत दूर है 13-14 किलोमीटर होगा। अच्छा इतना किलोमीटर है ना तो आपका यह प्रिंसिपलों में जो दिया वाला है तो हम लोग को और हम लोग को लोकल का तरफ से बोलने से तो हम लोग सामान तक एक दिन गाड़ी जाते हैं तो फिर एक दिन और हम लोग लोकल पैदल जाते हैं दो दिन अरे लेबे नम काम हुए ना आए लियो को ना आयो भाई तो हम आयो ना दो दो सिमराई मेरे ना वहां मेरी दो तो आपको नुचे ना आबो लो नी पैदल मालूम हो गया
दिमाग में मैप हो गया आपका, रिवर है, एक हाईवे है और कुछ नहीं था ना, पोस्ट ऑफिस कच्चा रोड, तो ये स्कूल ना, स्कूल हाँ, उधर भी कुछ गांव घर है उधर, हाँ घर, अभी जो है सीबी का घर को देखना है इसका, ये इसको ये कच्चा बना, तो इधर रिवर है, हाँ हाँ यहाँ तो राइट है और इधर हाईवे है, हाईवे तो बीच से ये एक तो इधर से नगर है, इधर से घूमता है, इधर एक चर्च है, स्कूल इधर है, यहाँ बी एस एन एल का टावर भी है चर्च के पीछे, यहाँ में एक टावर है, थोड़ा सा इधर एक कुछ हम गांव का ये है, हेड जीबी के घर यहाँ डाल दो, इधर भी कुछ गांव में ये था, और चारों तरफ तो गली है, यहाँ तो गली पकड़ लो, ये बीच का ये रास्ता है, ये तो रास्ता बीच से ही चलते गया ना, हाँ इधर थोड़ा सा गांव का ये है, इधर थोड़ा सा है, और क्या क्या देखा, कुछ था क्या, और तो इतनी ऑफिस तो कुछ है ही नहीं, ऑफिस कुछ है नहीं, पोस्ट ऑफिस कुछ नहीं है, एसटीडी बूथ भी नहीं है, अच्छा तो एक गांव एक दिन में कंप्लीट हो जाता है, पॉसिबल नहीं, ये मेरा ख्याल से तो कभी कभी हफ्ता में लग जाता है, सारा ही है ना, जैसे एक विलेज इतना सारा है, आप सुन रहे आप लोग केले तो कहने से आप लोग का ये कर ही नहीं सकता, हम लोग जहाँ जा रहे हैं ना, हम लोग जाने के लिए हम लोग दिन में जाते हैं, एक ही दो घर के लिए, जैसे आप लोग के हेलमेट के लिए हम लोग सेक्शन डिवाइड किया, एक दो घर के लिए हम लोग को इतना चराई चलना पड़ेगा, दो तीन घंटा का चराई, वो भी आप वापस जा सर एक दिन उधर ही लगे, और इस लोग दो तीन दिन घर सर्वे करने के लिए सर एक दिन लगे, मतलब ये है जैसे कि जो गवर्नमेंट जो भी टैक्स लेता है तो ना उसमें तो 2% जो कहता है तो जो उसका मुताबिक से जो दाता अभी जो कलेक्शन करेगा ना उसका मुताबिक से मतलब ये स्कीम बना के मतलब बाद में ऐसे ये एजुकेशन ये स्कीम जो ना वो 98-97 में हम करके देखा है अंकल को बता अच्छा से कौन से क्लास में पढ़ता है सामने जाओ सामने उठो नाम बताओ और अच्छा से कौन से क्लास में पढ़ता है उसको बताओ कौन से स्कूल में पढ़ता है सबसे पहले आपका नाम इसको पर्स देगा क्या लिखा है नहीं मिलता है और ये क्या है ये एक ना और ये क्या ये बताओ चलो गेम को खेलने आते हैं उसको नहीं जानते आप तो आदमी है कि नहीं गेम को हिंदी जानता हूँ अच्छा तुम नाम है
बच्चा को हिंदी आपको कोई लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है वहाँ पे क्योंकि हिंदी इंग्लिश में चल जाता है मतलब हम लोग खासकर स्कूल में जब घुसते हैं हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं ना अच्छा अगर इंग्लिश में नॉर्मल हम लोग मतलब कोई भी या देखा जाए टीचर इतना खासकर बात नहीं कर पाते हिंदी ऐसे में ना जो हम लोग लैंग्वेज में है ना भाषा उसमें हम लोग बात करते हैं अच्छा